मैं भी पीरियोडिकली वायनाड जाऊंगा और जो वायदे हमने वायनाड को किए थे उनको हम पूरा करेंगे। रायबरेली का पुराना रिश्ता है, काफ़ी खुशी हो रही है कि मैं उनको फिर से रिप्रेजेंट करूंगा, मगर आसान निर्णय नहीं था, मुश्किल निर्णय था क्योंकि जुड़ाव दोनों के साथ है। सो आई हैव एन इमोशनल रिलेशनशिप विद बोथ रायबरेली एंड द पीपल ऑफ वायनाड एंड द लास्ट 5 years एज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ वायनाड हैव बीन ए फैंटास्टिक एक्सपीरियंस, अ वेरी एंजॉयबल एक्सपीरियंस। द पीपल ऑफ वायनाड स्टूड विद मी, द पीपल ऑफ वायनाड गेव मी लव एंड अफेक्शन, एवरी सिंगल पर्सन रिगार्डलेस ऑफ पार्टी, दे गेव मी सपोर्ट, लव एंड अफेक्शन, दे गेव मी एनर्जी टू फाइट इन अ वेरी डिफिकल्ट टाइम, सो आई विल नेवर फॉरगेट दैट। आई वॉन्ट एवरी वन इन वायनाड टू नो दैट प्रियंका इज गोइंग टू फाइट द इलेक्शन इन वायनाड, बट आई एम गोइंग टू बी अ फ्रीक्वेंट विजिटर टू वायनाड and I'm going to be available to the people of Wayanad, and the commitments that I have made, we will stand by them and we will try and deliver all those commitments. She's going to fight the election. I'm confident she's going to win the election and she's going to be a very good representative for the people of Wayanad. People of Wayanad can think about it like this: you have now 2 members of parliament, one is my sister and one is me, and my doors are always open for you throughout the rest of my life, and I love every single person in Wayanad. Thank you. बहुत खुश हूँ मैं, I'm very happy to be able to represent Wayanad, and all I'll say is that I won't let them feel his absence. As he said, he'll come many times with me, but I will work as hard and I will try my best to make everybody happy and to be a good representative. और रायबरेली के साथ तो मैं, मेरा बहुत ही पुराना रिश्ता भी है और 20 सालों से मैंने काम किया है दोनों रायबरेली और अमेठी में, तो वो रिश्ता तो कहीं मतलब किसी भी तरह से टूट नहीं सकता, उसको कायम रखने के लिए हम दोनों हैं। और भैया की मैं मदद रायबरेली में भी करूंगी और जैसे इन्होंने कहा हम दोनों रायबरेली में भी हम दोनों मौजूद होंगे और वायनाड में भी। दोनों को 2 सांसद मिल रहे हैं, सिंपल सी बात है। पॉलिटिकल लाइफ का इलेक्टोरल डेब्यू है, हर राजनेता चुनाव में जाना चाहता है, पहली बार चुनाव में जा रही है, क्या कहेंगी इस बारे में, किस तरह की आपकी जो इस समय भावना है? एंड आर यू नर्वस? नॉट एट ऑल, आई एम नॉट नर्वस एट ऑल। बनना चाहिए इसको लेके पूरी पार्टी मांग रही है, आपकी क्या राय है अपने भाई को लेकर? वो राय मैंने भाई को दे दी है। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। सुनिए, कांग्रेस नेताओं की तरफ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई उसमें ये बड़ा फैसला लिया गया, रायबरेली से राहुल गांधी सांसद बने रहेंगे। उन्होंने दोनों सीटों में से एक सीट को चुना रायबरेली को, और वहीं वायनाड से प्रियंका गांधी को जो है वहां पर रिप्रेजेंटेटिव बनाया जाएगा। प्रियंका गांधी वायनाड से चुनावी मैदान में नजर आने की संभावनाएं पूरी बन गई है क्योंकि ये ऐलान किया गया ऑफिशियली कांग्रेस।